सर मैं तिरछी टोपी वाले की शूटिंग कर रहा हूँ सर। आज जो यह सरप्राइज हो रहा है वो क्या है? आज यहाँ काफ़ी छोटे छोटे सीन्स हैं, काफ़ी सीन जो हम पिक्चराइज कर रहे हैं, और कुछ इंसिडेंट्स हैं जैसे कि हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि हम लोग किस तरह से शादी करें, और पहली बार मैं चंकी को मिल रहा हूँ, इस तरह के बहुत छोटे छोटे सीन्स हैं। ये पिक्चर में आपका रोल क्या है, कैरेक्टर क्या है? ये बहुत सिंपल कैरेक्टर है जो रियल लाइफ में मतलब होता है अधिकतर, ऐसा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर नहीं है। ये एक अमीर बाप का लड़का है और काफ़ी जॉली टाइप का है, और एक दिन जब इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि हीरोइन है फिल्म की, और पहली मुलाकात में इन लोग की काफ़ी झड़प हो जाती है और झगड़ा वगड़ा शुरू हो जाता है, और वो झगड़ा बहुत लंबी टाइम तक कंटिन्यू रहता है, फिर वो झगड़ा प्यार में बदल जाता है, और प्यार में बदलने के बाद किस तरीके से, जबकि मेरी शादी उसकी बड़ी बहन के साथ तय हो चुकी है, और किस तरीके से हम अपनी फैमिली को या सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, और किस तरह से हम लोग शादी करते हैं। इट्स लाइक ये पिक्चर अब तक कितने कंप्लीट हो चुकी है? ये फिल्म ऑलमोस्ट 75% हो चुकी है। इस पिक्चर में ऐसा क्या है जो आपने पिक्चर साइन किए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाहुबली की फिल्म है, और जब मैंने इसकी कहानी सुनी, कहानी बहुत अलग है इसकी, हटकर है, हटकर इन द सेंस ये है कि बहुत अच्छी तरीके की कॉमेडी है इस फिल्म में, बहुत सिंपल कॉमेडी है और बहुत अच्छी है। आप एक स्टोरी होती है जिसमें कि बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बहुत सीरियस होती है कभी, और कभी कभी टेंशन आती हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर इस फिल्म में शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ एक बहुत स्मूथ और एक बहुत अच्छा फ्लेवर है जो कि टोटल कॉमेडी है। किस फिल्म की आप शूटिंग कर रहे हैं? तिरछी टोपी वाले। आज जो सीन पिक्चराइज हो रहा है उसकी क्या सिचुएशन क्या है? आज सीन पिक्चराइज नहीं हो रहा, आज सीन्स पिक्चराइज हो रहे हैं, काफ़ी है, मेरे ख्याल से 5 सीन के करीब हैं, बट जो अभी हम सीन कर रहे हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन है। उसमें क्या है कि गलत लड़की की गलत लड़के से एंगेजमेंट हो गई है, और अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस उलझन से कैसे निकलें, तो चारों परेशान बैठे हैं कि मालूम नहीं करें क्या करें। इतने में सतीश जो है, जो कि इस फिल्म के अंदर ही इज प्लेइंग फिल्म डायरेक्टर हिमसेल्फ, वो एक अपने मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, वो बात असली हो या नकली हो वो हम नहीं दिखाते, लेकिन इतना है कि उस बात से इन लोगों को एक आइडिया मिलता है कि भाई 2 दिन के बाद शादी है, तो उस शादी में असली लड़की असली जगह पर कैसे बैठेगी। वो आइडिया सतीश जो है वो अपने एक मोबाइल फ़ोन पे, हो सकता है किसी से बात कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, तो वो एक उनको एक आइडिया देते हैं जो इनकी समझ में आता है। आपके जो दो लड़के और दो लड़के हैं ये कौन कौन है? भाई मेरे दो लड़के फिल्म के अंदर, एक तो चंकी है और एक इंदर है, और लड़कियां मोनिका है और ऋतुपर्णा है। आपका जो टाइटल है तिरछी टोपी वाला जी, उस सब्जेक्ट के साथ आप कैसा जस्टिफाइड कर रहे हैं? भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो क्या है कि टोटली एक ये फन फिल्म है, और इस फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत हैं। बेसिकली क्या है कि जिसको जिससे प्यार होना चाहिए उसको उससे नहीं है, बीच में 25 अड़चने हैं वगैरह वगैरह, और कैसे ये लोग जो हैं सबके सब, ये चारों लड़के मतलब दो लड़के दो लड़कियां और जो सारे कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे बच बचा के निकला के यू नो सिचुएशंस को संभालते हैं, एंड उसी के हिसाब से ये टाइटल जो है ना तिरछी टोपी वाले, मतलब ये कि ये सही रास्ता नहीं है यार, घी जो है वो ऐसे क्यों निकाला जाए। आपकी जो तिरछी टोपी वाले इसकी स्टार कास्ट जो है जी, जरा कैटेगरी बताइए कौन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बताते हैं आपको, देखिए सबसे पहले इंदर कुमार जो है वो एक करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, और उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये है कि वो बचपन में ही, उनके बाप हैं अनुपम खेर, उनको कैनेडा लेके चले गए थे, वापस ही नहीं आए, उसकी कई वजहें थी जो कि फिल्म में जस्टिफाई हुई है कि हिंदुस्तान क्यों नहीं वापस आए थे, तो वो एक करोड़पति बाप के बिगड़े बेटे हैं श्री इंदर कुमार जी। चंकी जो है, चंकी का कैरेक्टर इतना ही डिफाइंड है, इनका कुछ हम लोगों ने माता पिता वगैरह कुछ नहीं रखा है, लेकिन चंकी जो है एक हैप्पी गो लकी स्टूडेंट है, और उसकी खासियत यह है कि वो बहुत उम्दा मिमिक है,
ऋतुपर्णा और मोनिका बेदी दोनों बहनें हैं, कादिर भाई की बेटियां दोनों। उसमें मोनिका बहुत एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर है, एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है एंड दैट इज़ द वे शी इज प्लेइंग। और ऋतु जो है मोस्ट सबड्यूड कैरेक्टर है। तो ये दीज आर द फोर पीपल जिनका आपको कुछ थोड़ा पूछना था। सबको नहीं नहीं कर सकते, थोड़ा इधर करो, थोड़ा ये साइड में। नहीं नहीं ठीक है, जाने मत लोग करेगा तो सब इसी की तरफ देखेंगे। चलो फील्ड क्लियर, फील्ड क्लियर जो है कुछ समझ नहीं आया। चलो वन वन चंकी जी, वो मेरे चंकी जी साहब, राइट पोजीशन और कम क्लोजर। नहीं चंकी जी डोंट कम क्लोजर, थोड़ा आप और लेना चंकी। हाँ एक मिनट सर, आई विल टेक दिस शॉट। हाँ बस मूव या मूव मूव चंकी हटा करो, एक सेकंड में जो फोटो लो। प्लान दिस इज द वन टेक वन एक्शन लो। कट 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 कट, अरे नहीं क्या हो चाचा, एक्शन लो। अब तो कट टंकी, बहुत मूवमेंट, बहुत जल्दी भाग गया, बहुत जल्दी गया है। पटरी लेके आऊ उधर लेके जाओ 2.5 मुकेश, 2.5 लेके जाए ला, ये नहीं ले ले। चंकी दैट मूवमेंट थोड़ा सा, अदरवाइज नो इट्स कूल। बूम अपना थोड़ा नीचे रखना भैया, बूम अपना ऐसे कर रहे।